नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाते थे, जिनकी 2013 में हत्या कर दी गई थी। और पुणे की एक विशेष अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। 5 आरोपी में से 2 को दोषी करार दिया, वहीं 3 को बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि हत्या के मामले को 2014 में सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2016 में आरोप पत्र दायर किया था। अब इस मामले में जो फैसला आया है, उसके बाद हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो निराधार साबित हुए, एक षड्यंत्र किया जा रहा था और वो षड्यंत्र आज ध्वस्त हो गया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सुर्वे जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सुर्वे जी प्रवक्ता हैं हिंदू जनजागृति समिति के। बहुत स्वागत है सुर्वे जी आपका अमर उजाला डॉट कॉम पर। सबसे पहले तो ये जो फैसला आया है पुणे की अदालत का, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? अमर उजाला के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज नरेंद्र दाभोलकर का जो हत्या प्रकरण था, तो उसके संदर्भ में जो न्यायालय में आज जो ये जो आज फैसला आया है, तो उस फैसले से ये जो पूरे देश भर में जो अर्बन नक्सलियों द्वारा एक नैरेटिव जो सिद्ध करने का प्रयास किया गया, हिंदुओं को दहशतवादी बताने का जो प्रयास किया गया, हिंदू संगठनाओं को दहशतवादी निर्माण करने का जो प्रयास किया गया, तो ये पूरा का पूरा ध्वस्त हुआ है। और हम देख रहे हैं कि 2013 में ये जो हत्या हुई थी डॉक्टर दाभोलकर की, और आज हम 2024 में बैठे हैं, तो पूरे 10 वर्षों तक अलग अलग हिंदू कार्यकर्ताओं को इसमें अरेस्ट किया गया। जो मुख्य आरोपी पकड़े गए, जिनके विरोध में बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मिले थे कि जिस गोली से वो चली थी वो गोली, पर उनको छोड़ दिया गया। तो उसके बाद में सिर्फ हिंदू कार्यकर्ताओं को और हिंदूवादी संगठना के कार्यकर्ताओं को ही इसके अंदर जो है ये एक षड्यंत्र की तरह तहत उनको इस मामले में लाया गया। और हम देख रहे हैं कि हिंदू जनजागृति समिति के जो डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े जी है, जो पिछले 8 साल से इस जो पूरे पूरा जो मामला है इसके अंदर उनको अरेस्ट की गई थी, आज उनको न्यायालय ने पूर्णतः दोष मुक्त निर्दोष करके उनको करार दिया गया है। उसी के साथ में सनातन संस्था के जो साधक है विक्रम भावे, उनको भी निर्दोष करार दिया गया है। और भारत में ये ऐसी पहली केस होगी जिसमें एक केस लड़ने वाला जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता संजीव पुनारेकर, उनको भी सीबीआई ने अरेस्ट किया था, वो भी आज निर्दोष मुक्त हो गए हैं। न्यायालय ने निर्णय देते हुए 2 हिंदूवादी जो कार्यकर्ता है उनको जन्मठेप ये दी है, सजा दी है उनको। तो मुझे लगता है कि उनकी जो परिवार है और वकील जो है वो न्यायालय में आगे जाकर वो केस लड़ेंगे। और जो मैंने केस का अभ्यास किया है तो उससे मुझे यही ध्यान में आता है कि ये भी आगे जाकर निर्दोष छूटेंगे, क्योंकि इस केस में बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे कॉन्ट्रेडिक्शंस है। आज भी हम देखेंगे तो इस केस में किसी भी प्रकार का जो शस्त्र है वो शस्त्र मिला नहीं है, वो गाड़ी मिली नहीं है। जो लोग जो इसमें अभी जिनको कन्विक्ट किया गया है, सचिन अंदुर और शरद कलस्कर, इनके ऊपर भी जो इनका भी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यदि आप देखें तो पूना का नहीं है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे जाकर वो भी इसमें अंदर छूट जाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा ये जो हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव कम्युनिस्ट इकोसिस्टम के द्वारा, ये जो अर्बन नक्सलवादी गैंग के द्वारा जो ये निर्माण किया गया था, तो मुझे लगता है ये ध्वस्त हो जाएगा पूरा का पूरा। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हो। और देखिए, जिस वक्त ये मामला हुआ था और इस मामले पर लगातार नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक भूसे साहब भी पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी इस चर्चा में ले आता हूँ। बहुत स्वागत है आपका विवेक भूसे साहब। आप सुन रहे थे नरेंद्र सुर्वे जी को भी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला आया है, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से आपने लगातार कवर भी किया है इस पूरे मामले को, किस तरीके से देख रहे हैं सर? ये तो पूरा मामला जो 11 साल चल रहा था, इसमें पहली दफा ऐसी बात है कि ये पुलिस का फेलियर है। जो आरोपी पहली दफा जब हत्या हुई वहां से जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हुआ, इसी वजह से ये भटक गया, पूरा तपास भटक गया। और सीबीआई वालों ने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बाकी कलबुर्गी उनका जो हत्या हुई उसमें जो आरोपी मिले वही इसमें यदि यहाँ के मेन सूत्रधार कौन है ये अभी तक सीबीआई नहीं निश्चित कर सके। ये पुलिस का और सीबीआई का बहुत बड़ा फेलियर है इसमें। यह बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे
लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो नैरेटिव जिस तरीके से अभी नरेंद्र भी कह रहे थे कि एक इकोसिस्टम के जरिए एक हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, तो इस फैसले के बाद तो वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है ना विवेक सर? हाँ, ये तो है, क्योंकि वो नैरेटिव जो चल रहा था वो पुलिस पुलिस ने आगे जाके उस पर काम नहीं किया, और उसके जो सूत्रधारकों ने इसके पीछे वो अभी तक पता नहीं चला। अगर पता चल जाता तो समझ में आता ये नैरेटिव बराबर है, क्योंकि दाभोलकर की दाभोलकर सर को जो धमकी आती थी वो हिंदू आतंकवादियों की तरफ से ही आती थी, हिंदूवादियों की जो हिंदुत्व के बोलने वाले थे उनसे ही धमकियां आती थी। तो लेकिन एक चीज और, उसके बाद मैं नरेंद्र जी के पास जाऊंगा, मैं समझना चाह रहा हूँ इस मामले को लेकर कई सारी बातें हुई, इसको जोड़ा गया, इसको पंसारे जी से जोड़ा गया, इसको कलबुर्गी जी से जोड़ा गया, गौरी लंकेश तक ये मामला पहुंचा कि ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्या वाकई इस पूरे 11 साल की जांच में कहीं ऐसी बात निकल कर आई जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए? विवेक जी, नहीं ऐसा तो जो भी कर्नाटक पुलिस ने तपास किया उसमें ये लिंक हो ही गया था, जो SIT हाईकोर्ट ने बनाई थी उसमें भी सामने आया था कि ये तीनों लिंक है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक आगे नहीं आ सका, ये पुलिस की और CBI की फेल्यूर है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला है ये सबूतों के अभाव में ये फैसला है, ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, सबूत पूरा न्यायाधीश भी पूरा निकाल नहीं दे सके इस बारे में, जो अंदुरे और ये उनके जो दोनों पे उन्होंने जो पुरावा उनके सामने आया कि उन्होंने गोलियां चलाई तो उनको उन्होंने सजा दी है, बाकी लोगों के बारे में उनके सक्षम पुरावा उनके सामने नहीं आया इसलिए वो छूट गए। अगर CBI पुणे पुलिस ने अच्छी तरह से छानबीन की होती तो ये भी सामने आ सकते थे कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। यह बात आप कह रहे हैं नरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं विवेक भूषण साहब को, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ऐसे में तो सवाल यही उठता है कि जांच ठीक से हुई नहीं, अब ऐसे में जो राहत है आप लोगों को वो आपको लगता है कि पूरी जांच के बाद सही तरीके से राहत मिल पाई है, हिंदू संगठनों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो ध्वस्त हुए हैं? जी पत्रकार जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि जांच ठीक से नहीं हुई यदि वो आप कह रहे हैं तो आप वो किस आधार पर कह रहे हैं? मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा कि वो जांच किस तरह से हुई। आपको बताना चाहूंगा कि दाभोलकर जी की हत्या होने के बाद में अब इसमें कितनी सारी एजेंसी थी, पुणे पुलिस ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया है, ATS ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया है, SIT ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया है, CBI ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया है, अब बचा कौन है? अभी शायद सिर्फ FBI ही बची है, और इसमें 8.5 करोड़ फोन कॉल्स है उनको खंगाला गया, 1600 साधक परिवार सनातन संस्था के उनकी जांच की गई, उनके रिश्तेदारों की जांच की गई, सनातन प्रभात ये जो न्यूज़पेपर है उसके जो सब्सक्राइबर्स है उनके घर पर पुलिस वाले गए, उनकी जांच की गई, सनातन संस्था के आश्रम के ऊपर CBI ने रेड मारी उसमें भी कुछ नहीं पाया गया। तो अब इसके आगे और क्या चाहिए इनको? अब जिनको अब ये लोग अभी क्या है ना, अभी ये जो कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर तावड़े जी को जब अरेस्ट किया गया तब यही सब लोग जो थे वो चिल्ला रहे थे कि ये डॉक्टर तावड़े मास्टरमाइंड है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मास्टरमाइंड है। आज वो छूट गए तो अब ये कह रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड कोई और है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि ये जांच ठीक से नहीं हुई तो इनको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार ये और इसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर चार्जेस किए गए, CBI ने जब पहला चार्जशीट दाखिल की थी तो उस चार्जशीट में नाम किसका था? डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, उसके साथ सारंग अकोलकर और दूसरा था विनय पवार। अब सारंग अकोलकर और विनय पवार इनके ऊपर जब आरोप लगाया गया तो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो कार्यकर्ता है उन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में उनके पोस्टर लगाए कि यही आरोपी है, इनको मिलने चाहिए। अब उनके नाम कहाँ है? उनके नाम तो दूसरे चार्जशीट में है ही नहीं। आज सजा किसको हुई है? तो अंधेरे को सजा हुई है। तो ये एक प्रकार से ये कहना, और दूसरी बात मैं और एक बताना चाहूंगा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति निरंतर न्यायालय के ऊपर दबाव बनाती रही, और ये जो केस है पत्रकार जी को ये पता ही होगा कि ये जो केस है ये पूरा का पूरा ये उच्च न्यायालय के वो उनके निरीक्षण में हुआ है। उच्च न्यायालय निरंतर इसको हियर करती रही, 50 से अधिक बार उच्च न्यायालय ने इसके अंदर हस्तक्षेप किया है और उनके उनके इसके अंदर ही ये पूरी जांच हुई है। समय समय पर CBI ने केस की स्थिति क्या है
ये उच्च न्याय माननीय उच्च न्यायालय को समय समय पर उन्होंने अपडेट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अंधश्रद्धा और ये इन्होंने अब जो कहा कि हमीद दाबोल को जिनको धमकी आती थी, तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो हमीद और भी हिंदुत्ववादी संगठनों ने दिया ऐसे इन्होंने कहा, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि न्यायालय के अंदर जब हमीद दाबोलकर जी को पूछा गया कि आपको धमकी किसने दी, उसका क्या आपके पास में क्या एविडेंस है, तब न्यायालय में हमीद दाबोलकर जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि इस प्रकार की धमकी के जो मैंने कागज जो है वो सीबीआई को दिए। अब सीबीआई को जब पूछा कि आपने आपको इन्होंने कागज दिए, तो सीबीआई ने कहा कि हमको तो हमीद दाबोलकर ने इस प्रकार का कोई कागज नहीं दिया। तो ये सिर्फ मीडिया में जाकर ट्रायल करते हैं, ये लोग क्या करते हैं मीडिया में जाकर हिंदुत्ववादी संगठनों को बदनाम करते हैं। इनका मीडिया में एक अलग वक्तव्य होता है, कोर्ट में अलग केस चलती है। तो जो मीडिया में चल रहा है वो कोर्ट में नहीं है, ये हमें समझना होगा। मीडिया ट्रायल करके हिंदुवादी संगठनों को बदनाम करने का काम जो है ये पूरा कम्युनिस्ट इकोसिस्टम कर रहा है। ठीक है विवेक जी, क्या वाकई मीडिया ट्रायल के जरिए हिंदुवादी संगठनों को बदनाम करने की कोशिश हुई है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को आप लोग कवर करते रहे हैं और बहुत सारे सवाल नरेंद्र जी ने उठाए हैं जांच को लेकर के भी, जो आप कह रहे थे कि जांच शायद ठीक तरीके से नहीं हुई। नहीं, ये जांच ठीक तरीके से न होने के कारण ही हिंदू संगठन पे सवाल उठ गया था। पहली दफा जब दाबोलकर की हत्या हुई उसमें से पहले कुछ दिन पुणे पुलिस ने तपास ही गलत तरीके से किया, इसलिए जो भी थी वो सब हिंदुत्ववादी संगठन के ऊपर उनका रोक था, वही से हिंदुत्ववादी संगठन टारगेट बन गई। मैं नहीं कहता हूं कि यही आरोपी हो गए, यही दूसरे भी हो गए, लेकिन इसमें टारगेट हिंदुत्ववादी संगठन हो गई क्योंकि दाभोलकर को हिंदुत्ववादी संगठन से ही धमकियां आती थी और तपास का पूरा रोक वही था। सीबीआई ने भी जो भी तपास किया, पुणे पुलिस ने जो भी तपास किया वो सब अलग 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 तरीके से किया, इसलिए इसकी जो मेन अक्यूज है वो है कि नहीं इसमें सब डाउट है। ये सचिन है, इसमें ही गोली चलाई, ये भी अभी डाउट है। उनको शिक्षा हो गई लेकिन सभी के मन में ये दोनों कल्प्रिट है, इसमें भी डाउट सभी को है। लेकिन कौन सा वो सिस्टम था, इकोसिस्टम कौन सा था सर, जो हिंदुवादी संगठनों पर सवाल उठा रहा था इस पूरे मामले को लेकर? अब ठीक है क्योंकि सीबीआई ने भी जांच की और सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से कहें कि संरक्षण में और तमाम चीज़ों को पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र बनी रही, उसको देखते हुए जाँच आगे बढ़ी, 11 साल के बाद फैसला आया है, सारी चीज़ों को देखभाल कर फैसला आया, तो वो इकोसिस्टम समझ में आ रहा है अब आप लोगों के? क्योंकि बहुत करीब से इस मामले को आप लोगों ने देखा है, जो हिंदुवादी संगठनों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। पुणे पुलिस ने अलग तपास किया, सीबीआई ने पहले अलग तपास किया, बाद में अलग तपास किया, जब कलबुर्गी और इनका कर्नाटक ने जो तपास किया उसके बाद सीबीआई फिर उन लाइन पे आ गए, इसलिए ये सब भटक गया था तपास। उसी कारण ये हिंदुत्ववादी संगठन से बार बार दाबोलकर को धमकियां आती थी, तुम मुस्लिम के वहां के अंदर श्रद्धा क्यों नहीं देखते, इस तरह से उनके धमकियां आती थी, हिंदू को सिर्फ देखते उसमें अंधश्रद्धा, इसलिए वो टारगेट हिंदुत्ववादी संगठन हो गई पहले से ही। और जब ये घटना हुई तो पहले सामने आए कि सामने का जो भी थे उसमें जो हिंदुत्ववादी संगठन ही थी। यह बात आप कह रहे हैं नरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं विवेक जी को, वो कह रहे हैं कि जांच अगर ठीक से हुई होती तो हिंदुत्ववादी संगठनों पर सवाल नहीं उठता, ये उनका कहने का मंतव्य है। जी जी जी, अभी भी आप उनकी बात से यदि आपको समझ में आएगा तो वो यही कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन ही इसके लिए जिम्मेदार है, यानी उनका पूरा का पूरा रोष जो है वो हिंदुत्ववादी संगठन को ही इसके अंदर फिक्स करना, यही उनका उद्देश्य है। क्योंकि ये ठीक से पढ़ाई करके नहीं आया। मैं आपको तथ्य बताता हूँ, तथ्य ये है कि डॉक्टर दाबोलकर सिर्फ हिंदुओं के अंधश्रद्धा के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, वो अलग अलग और भी बहुत सारे काम कर रहे थे। आपको पता होगा कि डॉक्टर दाबोलकर जी ने वो जहां पर रहते थे, डॉक्टर दाबोलकर जहां रहते थे वहां पर ही उन्होंने डॉक्टर्स के बोगस डॉक्टर्स के विरुद्ध में एक अभियान चलाया था, और पुणे में एक डॉक्टर सुषमा कोठारी नाम की एक डॉक्टर थी जो बिना लाइसेंस के बड़ा अस्पताल चला रही थी, तो उसके विरुद्ध में डॉक्टर दाबोलकर जी ने एक शिकायत जो है वो विश्रामबाग पुलिस स्टेशन जहां पर वो रहते थे वहां पर दर्ज की थी। पर वहां के जो अधिकारी है उन्होंने डॉक्टर वो बोगस डॉक्टर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसीलिए डॉक्टर दाबोलकर ने उनके विरोध में गृह मंत्रालय तक उनकी शिकायत की थी कि ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं।
और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जिस दिन डॉक्टर दाभोलकर की हत्या हुई उसी दिन अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक कार्यकर्ता जिसका नाम है गोविंद नारायण कामत, आप फिर से लिख लीजिए, चाहिए तो इसकी जांच भी कीजिए, डॉक्टर गोविंद नारायण कामत हत्या होने के बाद में विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है, और उस एफआईआर में ये कहा गया है कि सुषमा कोठारी के द्वारा, सुषमा कोठारी के डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के पीछे सुषमा कोठारी हो सकती है, ऐसा मेरा आरोप है और उसके ऊपर जांच की जाए। पर उसके ऊपर जांच हुई क्या? जांच नहीं हुई। दूसरी बात, डॉक्टर दाभोलकर ये जो खाप पंचायत होती है जिसे महाराष्ट्र में जाट पंचायत कहते हैं, उसके विरोध में काम कर रहे थे, वहां से भी बड़ी मात्रा में उनको धमकी आ रही थी। जब डॉक्टर दाभोलकर की हत्या हुई तो उनके खीसे में एक डायरी मिली है, उस डायरी के अंदर एक पेज है, उस पेज के ऊपर डॉक्टर दाभोलकर को जो धमकी लिखी गई थी वो धमकी भी उसके अंदर लिखी है और ये रिकॉर्डेड है, ये सीबीआई के रिकॉर्ड में है। तीसरी बात आपको मैं बताता हूं, डॉक्टर दाभोलकर जी के जो ट्रस्ट था उस ट्रस्ट में बहुत सारी धांधलियां थी, उसमें बहुत बड़े तरह से करप्शन था, वो विदेशों से पैसे ले रहे थे और विदेशों से पैसे लेकर वो स्वयं के पर्सनल ट्रस्ट में डाल रहे थे, तो उसके अंदर भी, और इसलिए हमने देखा कि जब डॉक्टर दाभोलकर गए उनका पूरा का पूरा संगठन जो बिखर गया है और आज उसके दो टुकड़े हो गए हैं, तो इसके बारे में जांच क्यों नहीं हुई कि इसके पीछे भी डॉक्टर दाभोलकर की हत्या का कारण हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण कारण आपको बताता हूं, डॉक्टर दाभोलकर की जब हत्या हुई तब उनके खीसे के अंदर, उनके पॉकेट के अंदर एक विदेशी सिम कार्ड मिला है, विदेशी कंपनी का सिम कार्ड, तो ये विदेशी सिम कार्ड क्यों यूज किया गया है, उसके ऊपर किससे बात हो रही थी, कौन से आर्थिक व्यवहार उससे हो रहे थे, क्या छुपाना चाहते थे डॉक्टर दाभोलकर? जाहिर सी बात है ये तमाम तथ्य कोर्ट के सामने तो रखे गए होंगे नरेंद्र जी, और उसके बाद ही कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। विवेक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं इस पूरे मामले में, आप जो ये फैसला आया है उसके बाद आगे की तस्वीर और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये मामला चर्चित रहा, कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? अब परिवर्तन की बात नहीं है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम अभी इससे आगे जो जोर से चल रहा है यही इसका कुल जो फल आप देख सकते हैं, वो उनका कार्य और बढ़ गया है, उनका काम और बढ़ गया है। ठीक है नरेंद्र जी, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा, मैं समझना चाह रहा हूँ अब इस फैसले के बाद जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि वो और तमाम लोग कह रहे हैं कि वो जो एक षड्यंत्र था वो ध्वस्त हुआ है, तो अब ये थोड़ा बदलाव होगा इसमें या आगे क्या लगता है, अभी लड़ाई और लंबी चलनी है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिंदूवादी संगठनों को इसमें टारगेट किया गया, तो ये जो पूरी सत्य के लिए लड़ाई है वो हम वो आगे अवश्य ही इसके अंदर सत्य बाहर आएगा। इसमें ये सब महत्वपूर्ण ध्यान में आया कि किस प्रकार से एक नैरेटिव भारत के अंदर सेट किया जाता है। अब देखिए कि जब ये सिर्फ चार ही हत्याओं की चर्चा होती है, आज नक्सलवादियों द्वारा भारत के अंदर 14,000 देशवासियों की हत्या की गई, पुलिस की हत्या की गई, वहां के ग्राम पंचायत सरपंच की हत्या की गई, पर ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले है, नक्सलवादी है, ये सभी जो गैंग है, इसके बारे में चर्चा कभी भी नहीं करती है। ये चर्चा किसकी करते हैं? तो सिर्फ इन्हीं चर्चाओं की। केरल में हमारे हिंदुओं के वो जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हत्या की गई, कर्नाटक में हत्याएं हुई है, तमिलनाडु में हत्याएं हुई है, तो ये सिर्फ जो बात है कि ये सिर्फ ये चार ही हत्याओं के बारे में बात करते हैं, इसके वजह से बात करते हैं कि गांधी हत्या के बाद कुछ हत्याएं नहीं हुई भारत के अंदर। तो इस प्रकार से जो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास किया गया है, तो ये नैरेटिव को ये उद्ध्वस्त करने का काम जो है ये आज के इस निर्णय से हुआ है, और आगे जाकर भी ये लड़ाई जो है ये कानूनी मार्ग से जो है हिंदू जनजागृति समिति अवश्य आगे लड़ेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नरेंद्र सुर्वे जी को और विवेक भूसे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में देखिए लगातार जिस तरह की बातें होती रही, बहुत चर्चित मामला था डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का, और उस पूरे मामले में अब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है जिसमें अब जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इस पूरे फैसले को लेकर और खास करके इस हत्याकांड में हिंदू संगठनों की भूमिका को लेकर जो सवाल उठाए जाते रहे उन सब पर अब विराम लगा है। जो षड्यंत्र किया गया था वो षड्यंत्र एक तरीके से ध्वस्त हुआ है, लेकिन आगे भी इस पर और भी बातें होंगी, अलग अलग पक्ष हैं, सबकी अपनी अपनी राय होगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए amarujala.com पर बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।